और अब देखिए योग का स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप अपने भविष्य को सिर्फ अपनी आदतों को बदलकर बेहतर कर सकते हैं और ये बात आज भी सही है। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। और भविष्य का मतलब सिर्फ करियर से नहीं है, यही बात सेहत पर भी लागू होती है जिसे अच्छी आदतों को अपनाकर सुधारा जा सकता है। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट अब 100 में से 99 बीमारियों की जड़ खराब लाइफस्टाइल को मानते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। यकीन ना हो रहा हो तो आप खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी परेशानी और बीमारी को देखिए और फिर पता कीजिए कि इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। बिल्कुल, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हार्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, आंख, दिमाग या फिर नर्व से जुड़ी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सबकी जड़ में अगर आपको कोई एक कॉमन चीज नजर आएगी वो है दिनचर्या, रूटीन। यहाँ तक कि कैंसर भी कई बार खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और ये गांठ बांध लीजिए कि आपकी आदतों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ से सीधा रिश्ता है। और ऐसे में खराब आदतें छोड़कर बेहतर लाइफस्टाइल अपनाकर आप कई बीमारियों को अलविदा भी कह सकते हैं। तो आज ही अच्छी आदतों की शुरुआत करें, जैसे योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और भले ही 2 मिनट से शुरुआत करें लेकिन ये शुरुआत आप करें, संकल्प लें। और इसके लिए अपने अप्रोच को इजी रखें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस सुबह 7:56 पर उठें और इंडिया टीवी देखें और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ जुड़ जाएं और योग करना शुरू करें, अपनी जिंदगी में अच्छे आदतों को लेकर आएं, जैसे कि आज स्वामी जी हमारे साथ आ चुके हैं और अच्छी आदतों के साथ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये भी अच्छी आदत है, जो शंख बजाते हैं ना, शंख बजाने से थायराइड की बीमारी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है और इससे फेफड़े की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो तुरंत ठीक होती है। अब ये जो हमारी बेटी यहाँ पर बैठी है, इसको भी, छोटे बच्चों को भी थायराइड हो जाता है। क्या नाम बेटा? सुकन्या। कहाँ से हो? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे से सुकन्या आई है और इसने अपने थायराइड की सब दवाइयां बंद कर दी और थायराइड नॉर्मल हो गया। हम ये मिट्टी और मिट्टी के अंदर थोड़ा हल्दी, थोड़ा एलोवेरा, कपूर मिला करके लगाते हैं। इसने भी, तुम कहाँ से आई हो? मैं बिदर से, कर्नाटक से। कब से? 3-1 साल थायराइड नहीं, मेरे को सोरायसिस का प्रॉब्लम था। सोरायसिस? हाँ। और कईयों को लेकर के आई? पूरा, हाँ, 5 लोगों को बढ़ा के लिए। 5 लोगों को और को लेकर के आई। और तुमने क्या ठीक किया? मैं बिलासपुर से आई हूँ, थायराइड की थी मेरे को समस्या। कितनी दिन से दवाई बंद? मैं 15-16 साल से थी मेरे को थायराइड। 15-16 साल से? जी जी। तो पर अभी मेरे को एकदम अच्छा लग रहा है। मैं उज्जायी प्राणायाम कर नहीं पाती थी बाबा जी, पर अभी अच्छे से हो रहा है और दवाई अभी बंद करके रखी हूँ। क्योंकि कितने दिन से दवाई बंद कर दी? मुझे 3 महीने से दवाई बंद कर दी और उसके 5-5, 10-10 साल के भी एग्जाम्पल जी। और अभी और मैंने, मेरा कभी 50 ग्राम भी कम नहीं हुआ था बाबा जी, वेट बढ़ता ही जा रहा था, अभी कम हो गया है, 3 किलो वजन अभी कम। मेरा तो मासिक धर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, बिस्तर में, मासिक धर्म में भी बहुत, बिल्कुल बिस्तर पे ही लेटना पड़ जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा आराम है। और मुझे डिस्क की भी प्रॉब्लम हुई थी, सर्वाइकल भी था, साइटिका भी, सब योग से ही। थायराइड को ठीक कर लिया सारे, ये तो योग कर करके। तुमने कितने दिनों से बंद करी थायराइड की दवा? मुझे 2016 से थी, 15 से जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, उसके बाद अभी मुझे 2020 से छोड़ दीजिए मैंने। मैं जब दवाई ले 2020 में बंद कर दिया। और मैया तुमने कब से बंद किया? 5 दिन से बंद करो। अब ये कर्नाटक से आए हैं, तुम कहाँ से आए? हम गुजरात अहमदाबाद से आए। जी हम छत्तीसगढ़ बालोद जिला से। मैं महाराष्ट्र से नागपुर से आई हूँ। सबने अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को अब पराजित कर दिया है। किससे? एक तो सिंहासन करो सब, जीवा बाहर निकाल के दाड़ो सब। अब बताओ, अब ये सुबह सुबह धाड़ती है सब बहने, जो सुबह सुबह सिंहासन की दाढ़ लगाएगा, जो सुबह सुबह शंख बजाएगा,
चलो अब उज्जाई करो। ये उज्जाई होल्ड करके 20-30 सेकेंड, फिर छोड़ना, ये शंख बजाना। तो ऐसे शंख बजाने से, सिंहासन करने से, उज्जाई करने से, कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाने से, ये थायरोग्रीट धनिये के पानी के साथ, जीरा धनिया सोंठ का पानी आज बताने वाले हैं ये, या तो फिर रेडीमेड चाहिए तो कोरी घनवटी और थायरोग्रीट दो दो खा लो। और सबसे अच्छा होता है पांच आसन थायराइड के लिए, सर्वांग आसन, ये हलासन, 5 मिनट में पूरा पैकेज बता दे रहे, फिर उसके डिटेल बाद में बताएंगे जी स्वामी। सर्वांगासन, हलासन, ऐसे जो ऐसे ना कर सके अमित भाई वो ऐसे कर ले, ऐसे सहारा लेकर के, ये फिर ये मत्स्यासन, ऐसे पद्मासन में, ये ऐसे ऐसे, और जो इतना भी ना कर सके वो ये भुजंगासन कर ले, ऐसे ये, और एक है ये उष्ट्रासन, ये भी बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे, और जो इतना भी ना हो तो अर्धोष्ट्रासन कर ले, इतना भी ना हो तो ये कर ले, और इतना भी ना हो तो ऐसे कर ले, देखो गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा ले टाइट करके, ऐसे ऐसे, ये फिर कपालभाति करते समय हाथ में पैर में पद्मासन में बैठ के ना, दोनों हाथों में, ये पद्मासन में नहीं बैठ सके तो सुखासन में ऐसे बैठ करके, ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में पॉइंट दबाया और कपालभाति किया, फिर श्वास भरते समय देखो उज्जाई को ना, कुछ लोग ठीक से नहीं करते हैं तो जरा सीख लें, अंदर भरते समय आवाज करनी है, और फिर होल्ड करना है 20-30 सेकंड। जब होल्ड करते हैं इसको जालंधर बंद कहते हैं, इस जालंधर बंद से ना पूरा हमारा जो विशुद्धि चक्र है, थायराइड पैराथायराइड अच्छा हो जाता है। होल्ड करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं, फिर इससे तो थायराइड पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है T3 T4 तो यहां से अच्छे हो जाएंगे, फिर TSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसका बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा पैकेज हो गया, ज्यादा खट्टी चीजें, ज्यादा ठंडी चीजें, जो भी हम कचरा खा रहे हैं वो खतरा बन रहा है हमारे थायराइड के लिए। स्वामी जी बासी चीजें, बासी भोजन, इसको श्रीमद भगवद गीता में तामसी को राजसिक आहार कहा है, इससे ये थायराइड की बीमारी होती है, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म जो लोग खा रहे हैं, और जीवन शैली अव्यवस्थित, खाने पीने सोने उठने जागने का कोई ठिकाना नहीं है, इससे थायराइड की बीमारी ज्यादा हो रही है। जेनेटिकली भी छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने कई बार इंडिया टीवी पर दिखाया बताया, छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी यही करवाएं। और यदि कोई बचपन से शीर्षासन करने लग जाए ना, तो जैसे ज्योत्सना जी करने लग गई है, अब इनको जिंदगी में कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कुछ कह रहे थे अमित भाई आप? जी स्वामी जी, क्योंकि आपने थायराइड का जिक्र किया है, तो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में थायराइड की जो परेशानी से जो लोग जूझ रहे हैं, करीब उनकी जो तादाद है वो 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और बीमारी की गंभीरता की समझ ही नहीं होती है, मैंने पूरी दुनिया में सोची है। और योग अभ्यास की शुरुआत तो आप करवा चुके हैं, लेकिन स्वामी जी आखिर समझे कैसे, परखे कैसे कि ये थायराइड हुआ है या फिर उसकी कगार पर है आप? अचानक वेट घटने लगे, अचानक वेट बढ़ने लगे, थोड़े चक्कर आने लगे, कमजोरी लगने लगे, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई होने लगे, दिल में घबराहट होने लगे, इसका हार्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, इससे वेट पर बहुत
बुरा असर पड़ता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जब अचानक वेट घटने लगे या बढ़ने लगे, जैसे माता कह रही थी कि मेरा वजन तो कम ही नहीं हो रहा था, यहाँ आकर के थायराइड तो ठीक हुआ, ऐसा हुआ जो वेट स्टक हो गया था, और वेट बहुत उपाय करने के बाद, उपवास करने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी, डाइट कंट्रोल करने के बावजूद भी वेट ना घटे, तो समझ लो थायराइड की प्रॉब्लम है। तो कितनों का वेट बढ़ा था थायराइड के कारण से हाथ उठाना, इतनों का वेट बढ़ा था, और कितनों का घटा था, इसका घटा था, एक दो का घटा, तीन का, बाकी का बढ़ा। और ये गुड़िया का तो है, सुकन्या का तो कितना हो गया बेटा, नहीं कितना वजन हो गया था, 90 तक पहुंच गया। कब हुआ सुकन्या थायराइड की प्रॉब्लम? 4 years back, 4 साल पहले हुआ और 90 पर पहुंच गई। और उम्र कितनी बाबू? 32 की उम्र में। और तुम्हारा घटने लगा बाबू, उसको देना वो दूसरी गुड़िया। अब इसमें हम एलोवेरा और हल्दी, अमरूद, इसके पत्तों का गरारा कराते हैं। जी बेटा। जी बाबा जी, मुझे हाइपर थायराइड हो गया था। हाँ। और ग्रेव्स डिजीज बोल रहे थे सर्जरी के लिए, मेरा वेट भी घटने लगा था और इसमें गोइटर भी हो गया था। गोइटर भी हो गया था, मोटा गला भी, गलगंड बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ और मेरा ये कम हो गया, ये कम हो गया। चलो भाई, गुड़िया का क्या नाम बेटा? अस्मिता राय। अस्मिता की अस्मिता बच गई, नहीं तो अस्मिता ही मिट जाती इसकी। और वजन? वजन अब कंट्रोल है यहाँ, वजन कंट्रोल है। वजन ये हाइपर हो जाता है, इसको ज्यादा एक्टिव हो गया तो घटने लगा। हाइपो हाइपर दोनों ही ठीक होता है। तो अस्मिता और सुकन्या दोनों लाइव एग्जांपल है, छोटी बेटियां हैं। और इस थायराइड का असर आंखों पर भी आता है, थायराइड का असर मेमोरी पर भी आता है, थकान बहुत जल्दी होने लगती है जी। है ना बेटा? होती थी। तो ये लक्षण है मेरे भाई, आपको लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया। और इसको मिटाने के लिए अब वजन बढ़ गया है तो ये अभ्यास कराते हैं, 5-7 अभ्यास, त्रिकोणासन, चक्रासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 7 अभ्यास तो हम ये वेट घटाने के लिए जो है वेट जिनका को घटाना है, और बढ़ाने के लिए फिर दंड लगाएंगे, भुजंगासन करेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे तो बढ़ा भी देंगे। और दूध में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, थोड़ा शिलाजीत ये डाल करके ले लेंगे, आप फौलादी बन जाएंगे सब। और तो किसी को भी थायराइड के जो मेन बातें हैं वो बता दिए। थायराइड के दौरान किसी को भी वजन घटने या बढ़ने का सिम्टम हो स्वामी जी, तो उससे निजात मिलेगी। लेकिन स्वामी जी, थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिक मैनेजर भी कहते हैं, और यही वजह है कि शरीर में तमाम परेशानियां जो शुरू होती हैं, हाँ। वो लोगों को काफी कष्ट देती हैं। सबसे पहले पाचन की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर पाचन गड़बड़ होता है, नतीजा थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं। तो थायराइड बैलेंस रहे, इसके साथ साथ बॉडी वेट को कैसे बैलेंस करें? हालांकि आपने योगा अभ्यास की तो शुरुआत कराई दी है, पूरा पैकेज बता दीजिए, पाचन भी अच्छा रहे, थायराइड भी बैलेंस्ड रहे। तो देखो, ये पहले तो थायराइड वालों का वेट घटाने के लिए दोनों पैरों से तो ना कर पाएंगे, जो बहुत ठाड़े ठाड़े हो गए तो एक एक पैर से कर ले, अर्धलासन ऐसे घुटना सीधा पंजा तना हुआ पूरे परफेक्शन के साथ, पादवृत्तासन ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, और फिर अश्वगंधा ले, मेदोहर, वेट गो, गोधन, अर्क का सेवन, अनाज, नमक, मीठा थोड़ा कम कर दें या बंद ही कर दें थोड़े दिन, शाक सब्जियां, फल आदि का सेवन करें, उपवास बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाता है, उपवास एक्सेस वेट को खाता है, उपवास कैंसर को खाता है, उपवास सब रोगों को खाता है, ये बीपी शुगर को मिटाता है, ये सारे रोगों को मिटाता है, विकारों को खाता है, रोगों को विकारों को खा जाता है। उपवास और उपासना हमारे तन मन को आत्मा को शुद्ध पवित्र बना देते हैं। तो देखो, तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी, वेट के लिए भी, वेट का पूरा पैकेज हो गया, भुजंगासन ऐसे 25-50 बार, और ये सलभासन ऐसे, और जो अंडर वेट हैं उनके लिए ये तो ये दंड ऐसे मैं ये 100 बार तक करवा देता हूँ, 5 मिनट में 100 बार हो जाता है ये। और एक अंडर वेट जो हो गया उनके लिए मैं बताता हूँ सूर्य नमस्कार, ये 5-10 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करें ऐसे, और इससे पाचन भी अच्छा होगा और पूरा शरीर मजबूत होगा,
रही बात अब पाचन की, तो पाचन को पूरा ले लेते हैं। देखो पाचन के लिए हम 5 से 10 अभ्यास बताते हैं। एक तो मंडूक आसन, ये पाचन के लिए, छोटी बड़ी आंतों के लिए, आमाशय के लिए, पकवासय के लिए, हमारे स्टमक के लिए, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, लीवर स्प्लीन के लिए, साथ ही पेनक्रियाज के लिए, प्रोस्टेट के लिए, माता बहनों के यूट्रस ओवरी के लिए, जिनकी फिलिपियन ड्यूब बंद है, जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको स्पर्म ओवम पूरा नहीं बनता उनके लिए भी अच्छा है, ये लंग हार्ट के लिए भी अच्छा है, पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। इसलिए मंडूक आसन हमारे डेली के अभ्यास में सम्मिलित है। मंडूक आसन ऐसे मुठ्ठियां बांध के ऐसे, ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। खाली पेट लिवो ग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, और आंतों में सूजन हो तो पुनर्नवादी मंडूर पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लग रही है तो कुमारियासव द्राक्षासव, ये सब चीजें हम बताते हैं। अब लोगों को ना ऐसी ऐसी लीवर फेल हो रहे हैं, किडनी फेल हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, लंग फेल हो रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, शादी हो गई है बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम रोज छोटे छोटे उपाय बताते हैं। कल मैं कोलकाता में था, वहाँ सब बोले जी हम सुबह सुबह इंडिया टीवी देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स की पत्नी, कोई ऐसी क्लास नहीं है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, माने पीएमओ से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस तक, सीएम पीएम सब सुबह इंडिया टीवी लगाते हैं, हमारे साथ साथ योग करते हैं। 99% जो भी थोड़े भी स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, हमारे साथ रोज योगाभ्यास करते हैं। और अब हमने ठानी है घर घर तक योग के साथ साथ आयुर्वेद को भी पहुंचाना है, और इस देश को सभी प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति दिलानी है। ये काम हम सुबह सुबह शुरू कर देते हैं। मंडूक आसन 1 से 2 मिनट कपालभाति के साथ, जिनसे हो जाए बन पाए तो ऐसे देखो पद्मासन में बैठ के स्वामी जी के लिए बहुत अच्छा है योग मुद्रासन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप वो सारी आसन बता रहे हैं तो, जिसके साथ मैं एक और टॉपिक जोड़ देता हूं, क्योंकि उससे लोगों को और फायदा होगा और आप भी आसानी से और समझा देंगे कि इसको भी कैसे हम दूर कर सकते हैं। एलोपैथी में थायराइड परेशानी को लेकर हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माना जाता है, तो आयुर्वेद में कब्ज दोष कहते हैं। योग अभ्यास के साथ साथ कब्ज दोष के पीछे के विज्ञान को भी जरा समझाइए स्वामी जी, ताकि लोग अपनी परेशानी को बेहतर ढंग से समझ लें और फिर योग के जरिए उपचार करते रहें। पूरा मेटाबॉलिज्म और ये कहते हैं बॉडी ऑर्डर में हो, डिसऑर्डर हो गए, अभी शरीर के वात पित्त कफ दोष संतुलित हैं और अब असंतुलित इंबैलेंस हो गया है। इसके लिए जो कर सके तो बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, मयूरी आसन तो थोड़े से और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ऐसे एक एक आसन को 10-20 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट 5 मिनट लगातार 10 मिनट तक करवाते हैं और लोगों के असाध्य रोगों को मिटाते हैं। तो ये बड़ी कम मेटाबॉलिज्म या कफ दोष बोलो, ये क्या है, जब मंदाग्नि हो जाती है तो शरीर में वात भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है, और गैस, एसिडिटी, पित्त बढ़ने का मतलब कोई उसका पाचन बहुत अच्छा, उसको भूख बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है। तो मूल कारण है, आयुर्वेद की चिकित्सा को मूलतः काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा माने अग्नि चिकित्सा। अग्नि क्या, सप्त धातु अग्नि, पंचभूत अग्नि, जठराग्नि, प्राण अग्नि, प्राण रूपी अग्नि से। एक तो बाहर की अग्नि है, ये बाहर की अग्नि इधर प्रज्वलित हो रही है, इधर सूर्य की अग्नि प्रज्वलित है सामने, सूर्याग्नि, प्राणाग्नि, जठराग्नि, अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा। स्वामी जी ये जो पंच महाभूत चिकित्सा है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे हम इन सप्त धातुओं को और
सप्त धातुआग्नि पंचभूताग्नि जठाग्नि को तरह तरह की अग्नियों को ठीक करते हैं प्राण अग्नि से, तो ये सारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और हमारा पूरा ताना बाना पूरा ढांचा अच्छा हो जाता है मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि आपने वो टॉपिक छेड़ ही दिया, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला था इस बारे में, तो थोड़ा सा विस्तार में आपसे मैं ये जरा जान लेता हूँ, पूछ भी लेता हूँ कि आयुर्वेद में जो चैनल ब्लॉक होना उसे किस कैसे कहते हैं, कि कैसे हो जाता है ये, क्या क्या कहते हैं इसको। दूसरा है कि थायराइड इंबैलेंस होने पर कफ दोष बढ़ता है और आयुर्वेद के रिसर्चर में तो ये कहते हैं कि अग्नि कम हो जाती है जिससे रस आहार धातु ढंग से बन नहीं पाता है। तो इन तमाम चीजों को आसान भाषा में जरा समझा दीजिए, क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है आम लोगों को, और रस और धातु क्या है और शरीर में अग्नि का क्या काम होता है, इसलिए कि लोग अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि आप हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है। इसके लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक में सारे आयुर्वेद के सार को जो महर्षि धनवंतरी आदि से उपलब्ध हुआ था, हमें पूज्य आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से बांधा है, तो मैं एक एक प्रति आप लोगों को भी भिजवा दूंगा और बाकी लोगों से भी कहूंगा थोड़ा आयुर्वेद को जानने के लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, प्राणायाम को जानने के लिए प्राणायाम रहस्य, योग को जानने के लिए योग साधना योग चिकित्सा रहस्य, जड़ी बूटियों को जानने के लिए जड़ी बूटी रहस्य, और ये पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति हम इसमें छोटी छोटी बातें बताते हैं, तो इंडिया टीवी पर तो देखे ही देखे, थोड़ा पढ़ना भी सीख शुरू करें थोड़ा। और षड रस हैं हमारे, रस फिर धातु, षड रस आम्लतिक रसाय कटु, ये जो रस हैं ये रसों के द्वारा भी हमारे जो वात अपित कफ दोष है इनका संतुलन करते हैं, और इन रसों के असंतुलित होने से ये प्रकृति में सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। तो परम रस तो रसो वही सह, वो परम रस तो प्रभु है, और रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऐसा श्रीमद विषयः निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो एक तो षड रस है, एक परम रस है प्रभु का, योग का रस है, दूसरा ये रस धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रजे तो सप्त है, और ओज नाम की, ओज तेज ग्लो साइनिंग ओरा जिसको बोलते हैं, ये अष्ट धातु हो जाती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र या रज और ओज, ये अष्ट धातु है। अब इनको पुष्ट करने के लिए माने सभी रसों के सभी धातुओं के बैलेंस के लिए जो जठराग्नि है ये उदराग्नि, मैंने कहा ना सप्त धातुआग्नि धातुओं में, पंचभूताग्नि पंच महाभूतों से शरीर बनाया, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इन सारों में जो प्रधान तत्व है जो सबको जीवंत रखता है सबको ऊर्जा देता है वो अग्नि तत्व है, इसलिए ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है और प्राण को भी अग्नि कह दिया गया, परमेश्वर को भी अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवो मृत्युजम, तो यह अग्नि उसको संतुलित करने के लिए मुंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पाचन तंत्र के लिए भी हम बता रहे थे, और ये रस दोष और धातु और अग्नि। अब दोष क्या है, वात पित्त कफ धारणा दोष है, विकृति होने से ये रोग होते हैं, शरीर को धारण किए हुए वात पित्त कफ सत्व रजस और तमस ये तीन गुण हैं तीन दोष है, और इसमें निर्दोष रहना है तो योग का आयुर्वेद का मार्ग है जो हम सबको सहज रूप से सिखाते हैं और आयुर्वेद के गंभीर रहस्यों को भी सहज भाषा में सबको बताते हैं। तो ये इसलिए हम, आपने देखा होगा जनरली लोग पहले ऐसे आसन करते थे तो पंजे तने हुए एरिया कुल्ले के ऊपर लगी हुई है, दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कर ले और ऐसे नासिका लगा दे, बस ऐसे रुक जाते थे। अब हम कहते हैं इसमें भी कपाल भाति करो, प्राण है अग्नि, प्राणावाव रुद्रः, प्राणावाव अश्वः, प्राणावाव आदित्यः, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण श्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणो ब्राह्मणेति, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वसे, ये जो प्राण है ना इसमें अग्नि और सारे सृष्टि के तत्व सन्निहित हैं, इतना जबरदस्त है ये प्राणायाम। इसलिए कपाल भाति के साथ हम पवन मुक्तासन, कपाल भाति के साथ उत्तान पादासन, तो इससे गुणों का, त्रिदोषों का, सप्त धातुओं का, षड रसों का, सबका संतुलन बन जाता, और अग्नि का समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते, ये पूरा सार कह दिया जी।
पवन मुक्तासन उत्तान पादासन नौकासन करते करते मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, अगर हर व्यक्ति अपने शरीर में रस अग्नि और दोषों को समझने लगा तो शायद उसे कोई परेशानी ही ना हो। और आज आपने बहुत ही आसान शब्दों में आसान भाषा में से समझाया है। ठीक बात। अब हम ढीठ थायराइड की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस होने का असर हमारे शरीर की नर्व्स पर भी पड़ता है, स्वभाव में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो स्वामी जी, नर्व्स मसल्स मजबूत रहें इसके लिए क्या उपाय करें, क्योंकि थायराइड पेशेंट्स के मसल्स पेन की शिकायत भी बहुत रहती है। हाँ, ये एकदम ठीक आपने। तो जो मसल पेन होता है, इसके लिए तो हमने इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट ये दो दवाइयाँ सबको दिलाई हमने, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट औषधि के तौर पर। और एक ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ही करना शुरू करें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली, ये एक दो बूंद शिलाजीत की, एक दो ग्राम अश्वगंधा, एक दो ग्राम शतावर। तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली एक एक ग्राम ले लें, एक बूंद शिलाजीत की डाल लें, एक दो पंखुड़ियाँ केसर की। और जो आजकल तो हल्दी सब जगह मिलने लगी कोरोना के बाद, तो सारे देश को उपलब्ध हो गई है, ये दूध पी लिया करें, ये दूध आज बताने वाले हैं। और न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाली अंदर से नसनाड़ियों में कंपन तक होने लगे ना, किसी किसी के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं थायराइड के कारण से। और पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया भी ठीक कर दिया हमने, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और साथ में मेधावटी और मेमोरी ग्रिट भी दे दिया। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट दो दो गोली खाने के बाद एक एक गोली मेधावटी और मेमोरी ग्रिट दे दिया, तो ब्रेन और मस्तिष्क से संबंधित सारे रोग मिट जाते। ये सूक्ष्म व्यायाम और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। एक चम्मच गाय का घी या ओमेगा सब बीमारियों का एक बड़ा कारण है मेलट्यूशन। एक तो भौतिक शारीरिक कुपोषण और एक इमोशनल इम्बैलेंस या इमोशनल डेफिशिएंसी, मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस उनकी भी डेफिशिएंसी आदमी को अंदर तक हिला के रख देती है, कमजोर बना देती है। तो फिजिकल डेफिशिएंसी के लिए तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि को। तो एक है सूर्य अग्नि, सूर्य की अग्नि में बैठो, कोई डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी, सारा खाया पिया शरीर में हजम हो जाएगा और आप किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी से बच जाएंगे। नहीं तो फिर हमको ये अलग अलग प्रकार के पोषक द्रव्य देने पड़ते हैं। और योग करने से इमोशनल डेफिशिएंसी तो होती ही नहीं, हमारा शरीर, इंद्रिय, चित्त, चेतना, आत्मा पूरा चैतन्य हो उठता है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने के बाद फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, एनर्जी गून की तरह है, ओमेगा ले जो एक बार लग जाए और कंट्रोल ना हो तो फिर शरीर को खोखला ही कर देता है गून की तरह। वैसे अक्सर देखने को मिलता है कि जिनको थायराइड की परेशानी हो सांस की परेशानी से भी जूझने लगते हैं, तो लंग्स को हेल्दी रखने के लिए भी आप उपाय बता दें, क्योंकि आप तो वैसे बता चुके हैं प्राणायाम को लेकर, लेकिन कुछ और इसमें बता दें, आयुर्वेद हो तो। देखो, थायराइड का असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, उसके लिए ऐसे और थोड़ा मजबूत है तो ये तो 2 सेकंड में लेना, 2 सेकंड में छोड़ना, 1 सेकंड में ले, 1 सेकंड में छोड़ दे, वैसे ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, खाली पेट श्वासारी, खाने के बाद ब्रोनकोम ले ले, 100% फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाएंगे, सर्दी, जुकाम, बुखार, काफ, कोल्ड, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब कोस दूर रहेंगे। इसका असर हार्ट पर भी आता है, फिर फेफड़े के लिए तो ये पॉइंट दबाए और हार्ट के लिए यहां पर छोटी अंगुली के नीचे यहां पर ये पॉइंट दबाए, अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुनारिष्ट या हृदयामृत ले लें, दो दो गोली सुबह शाम, बहुत ही ज्यादा हार्ट कमजोर हो जाता है ना। देखो, एक तो हार्ट में कैल्सिफिकेशन होता है, एक हार्ट का इजेक्शन इन्फेक्शन कम होता है, तीसरा है हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, किसी के फिर पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाता है, किसी किसी नसें सिकुड़ती हैं, फैलती है, लेकिन एक होता है कार्डिक अरेस्ट, आजकल बहुत लोगों को हो रहा, हार्ट कमजोर होता है, उसमें थायराइड की भी बड़ी भूमिका है, कोरोना भी बहुतों के हार्ट कमजोर करके चला गया, किसी के जेनेटिकली हार्ट वीक होते हैं, और छोटे बच्चों को, जवान लड़के लड़कियों को, स्कूल के बच्चे खेलते खेलते फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे और उसी में कार्डिक अरेस्ट हो रहा है,
आर्मी मिलिट्री पैरामिलिट्री में बच्चे भर्ती के लिए जा रहे, दौड़ते दौड़ते हार्ट फेल हो रहा है। ये कार्डियक अरेस्ट का एक कारण थायराइड भी है, और ये कोई बीमारी ना, मैंने एक बार बहुत पहले कहा था, दो साल हो गए करीब, कि कोई भी बीमारी 5 साल बाद में रिफ्लेक्ट होती है। हम टेस्ट कराते हैं ना, एक्सरे अल्ट्रासाउंड MRI सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट जो है करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, लिवर किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, उसमें कोई बीमारी रिफ्लेक्ट होने में 5 साल लग जाते हैं। यहाँ से दबाने से यदि दुख रहा है तो समझ लो हार्ट की प्रॉब्लम है, यहाँ से दबाने से दुख रहा है तो समझ लो थायराइड की प्रॉब्लम है। 5 साल पहले अर्ली डायग्नोज हो जाता है, ये भी बहुत दिनों के बाद ध्यान में आ गई तो बात बता दी, और कोई भी चेक कर सकता है। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं जी सारे टेस्ट नॉर्मल है, बीमारी का पता नहीं लग रहा। अभी कल ही मेरे को एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर रहे हैं, NP सिंह जी, अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है वो, तो मेरे से बताने लगे, बोले जी गांव में, बोले जी सारे टेस्ट करवा लिए, गैस का कोई टेस्ट नहीं होता क्या? बोले बच्चा जो है परेशान रहता, नींद नहीं आती, उसका दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, और टेस्ट करा रहे सब नॉर्मल। अरे भैया ये दबाओ और यदि दुखे तो समझ लो पाचन तंत्र गड़बड़ है, यहाँ दबाएं दुखे तो समझ लो थायराइड की प्रॉब्लम है, यहाँ दबाएं दुखे तो समझ लो हार्ट की प्रॉब्लम है, यहाँ दबाएं तो समझ लो 5 साल बाद डायबिटीज होने वाला है, यहाँ दबाव पता लग जाएगा 5-10 साल बाद आंखों की गड़बड़ी आने वाली है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिना डिसपिगमेंटोसा होने वाला है, और यहाँ दबाया और फिर भी दुख रहा है तो समझ लेना अब कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये अर्ली डायग्नोस का भी तरीका बता दिया बिना पैसे की मेरी बहन मीनाक्ष ज्योत्सना जी, अमित भाई, बिल्कुल स्वामी जी। और इस तरीके से भी पता लगाया जा सकता है कि क्या शरीर में कोई बीमारी प्रवेश कर रही है या उसकी शुरुआत हो रही है। स्वामी जी अब एक और परेशानी है जो थायराइड के पेशेंट्स जिससे परेशान है, वो है प्रीमैच्योर ग्रेइंग, जल्दी बाल सफेद होना, बाल झड़ना, चेहरे पर झुर्रियां, तमाम ऐसी परेशानियां थायराइड्स के पेशेंट में देखने को मिलती है। तो इसके लिए स्वामी जी प्राणायाम के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए। आप पूरे एक्सपर्ट हो गए हो, किस बीमारी से क्या क्या होता है, बस आप ही के सानिध्य में सब कुछ सीख रहे हैं, पूरी सारी बातों को समाहित कर लेते, ये तो मैं ही भूल गया था। तो ये सच में थायराइड के कारण से बाल एकदम पूरी मुट्ठी भर भर के निकलने लगते हैं, निकलते थे ना ये बहनों सारे, सबकी मुंडी हिंदी किस किस के निकलते थे, हाथ उठाओ सबके। ये सुकन्या भी हाथ उठा रही है और बड़ी बड़ी उम्र की भी सब बहने, माताजी भी हाथ उठा रही है। तो ये बाल झड़ते तो ये किया करो, और इसके लिए शीर्षासन बहुत अच्छा होता है, आंवला, एलोवेरा और गिलोय पीते रहो। मैंने तो 10-12 साल के बच्चे जिनके पूरे बाल सफेद हो गए थे उनको भी मैंने अच्छा कर दिया। हाँ एक राजस्थान की बेटी आई थी मेरे पास, बोली थी 10-12 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए थे, ये कफ नजले के कारण से भी होते, ब्लड सर्कुलेशन ना हो ब्रेन में उससे भी हो जाते हैं, ये थायराइड के कारण से भी हो जाते हैं। इसके लिए केशकांति शैम्पू करें, केशकांति एडवांस तेल तो जिनकी खेती पूरी उजड़ गई, गंजी खोपड़ी पर हथेली की तरह खोपड़ी हो जाती है, उनके भी बाल आ जाते हैं, केशकांति एडवांस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये जो है ना ये केशकांति एडवांस ये बड़ा ज़बरदस्त है। किसके ज़्यादा उजड़े पड़े हैं बच्चों को, हाँ बच्चों लंबे भी हो जाएंगे क्या, तो ये सबके उजड़े पड़े और हाँ बाल लंबे हो जाते हैं, जैसे मेरे बाल ना अब बढ़ते 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 बढ़ते, ये तो मैं थोड़ा कम देखभाल करता हूँ, ये देखो यहाँ तक एकदम ये पूरे देखो कुल्ले के नीचे पहुंच गए, पहले इतने ही होते थे मैया बोल रही है। तो ये इतने बाल हो जाएंगे पूरे स्वामी जी सच में, और शीर्षासन करें, सर्वांग आसन करें जो शुरू में बताया था, और जो है खाने में जितना आप अंकुरित खाएंगे, जितना आप सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, पानी पूरा पीना चाहिए, पित्त बढ़ने से भी बाल झड़ते जी स्वामी जी तो बाल अच्छे रहे। अब थायराइड में कारगर प्राणायाम का अभ्यास भी करवा दीजिए इसी के साथ। तो देखो सारे रोगों की मूल जड़ लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, तो प्राणायाम से ना एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स है, बॉडी के एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स, और 37 ट्रिलियन सेल्स और उनसे फिर पूरा शरीर बनता है, उससे अलग अलग सेल से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा सिस्टम और बॉडी से पूरा हमारा शरीर की रचना उस पर आधारित। प्राणायाम से
शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पूरा शुद्ध रखते ही नहीं, इससे प्राण शक्ति को ब्रह्म शक्ति कहा है। प्राण को मैं अग्नि भी कह रहा था, प्राणो ब्रह्मेति वेजाना, यह ब्रह्मास्त्र है, यह सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ब्रह्मास्त्र माने सुरक्षा चक्र हमारा, और इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सन्निहित है। ये मैंने अथर्वेद का प्राण सूक्त कहा था, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे। तो ये भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, 5 सेकंड में लेना अनुलोम विलोम, उज्जायु जरूर करना, थायराइड में, और ये पाचन तंत्र के लिए बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी। ये फिर जिनका पेट हल्का हो जाए तो फिर तो ये भी कर सकते हैं, बैठे बैठे देखो बस ये चक्की नहीं घूमते मेरा तो पेट ही अंदर नहीं जा पाता मेरा तो पेट ही अंदर नहीं खिंच रहा है स्वामी नहीं हमारे तो सब टाइट हो गए थोड़ा जिम के साथ अब आपने योग शुरू कर दिया ना मित भाई, अब आप बहुत अच्छे हो गए हैं। अब शरीर जो है ना वज्र जैसे ऐसे फौलादी भी होना चाहिए, और ऐसे देखो ये सॉफ्ट भी होना चाहिए, ऐसे यहाँ से भी, इधर से देखो कमर भी ऐसे पतली सी। नहीं स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये आप जो दिखाते हैं ना, एक तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस आपकी जो स्ट्रेंथ और जो आपकी जो स्टेमिना है, ये स्वामी जी मतलब बुद्ध डेडली कॉम्बिनेशन है किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी इंसान के लिए। तो वैसे स्वामी जी बहुत सारे सवाल भी अब आने लगे हैं, वो भी हम ले लेते हैं दर्शकों के, नहीं तो फिर वो भी नाराज हो जाएंगे। देश पांडे जी का सवाल है, स्वामी जी शुरुआत करें सवालों का सिलसिला। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 8 महीने से चक्कर आ रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस और घबराहट होती है, स्वामी जी क्या उपाय उनके लिए? तो स्ट्रेस के लिए तो मेधावटी एक या दो गोली रात को खा लिया करें, नींद बहुत अच्छी आएगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा, चक्कर नहीं आएंगे। एंजाइटी के लिए अर्जुनारिष्ट पी लिया करें या हृदयामृत खा लिया करें। और ये जो हाथ पैरों में कंपन आते हैं उसके लिए हम पहले बताए कि जो है ये न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट। न्यूरोग्रिट तो ऐसे कंपन आदि होने पर और ऐसे पार्किंसंस अल्जाइमर डिमेंशिया आदि होने पर ही लेना चाहिए। कि इम्यूनोग्रिट तो मैं चाहता हूँ हर घर में, गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस है इम्यूनोग्रिट। इसमें गिलोय भी है, इसमें अश्वगंधा सतावर विदारी कंद वराही कंद सफेद मुसली कोंच के बीज बला बीज, और इसमें रिद्धि वृद्धि जीवक रेशक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, इतनी औषधि एक साथ है इसमें। तो मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्वामी रामदेव हनुमान चालीसा की तरह पढ़ रहे जड़ी बूटियों के नाम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस से लोग पूजा करते। ये बड़ा जबरदस्त है सत्य, ये पूरी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाती है सारे रोग दूर जी, बड़ा जबरदस्त है। करो बहनों अनुलोम विलोम तो कर लो स्वामी जी, चुपचाप बैठ गई तुम तो, हाँ टुकर टुकर देख रही हो मेरी तरह। स्वामी जी अब वर्षा के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। वर्षा अपनी नानी के लिए सवाल पूछ रही हैं, इनकी नानी की कमर की नस दब गई है, वो बैठ नहीं पाती हैं, तो क्या उपाय करें? तो देखो कमर की नस दब गई है ना, तो वर्षा जी की नानी के लिए भी और सबके लिए भी, नानी से बहुत प्रेम होता है बच्चों का, मकर आसन आराम से कर लेंगे नानी से, और थोड़ा थोड़ा भुजंगासन भी कर लेंगी। दही छाछ नींबू चार टमाटर खट्टी चीज़ें बाय बादी की चीज़ें नहीं खाएंगी। तो वर्षा की नानी हमारी नानी, सबकी माँ हमारी माँ, सबके बाप हमारे बाप, इसलिए हम सबको अपने पिता पिता तुल्य बुजुर्ग श्रद्धाई माई माताएँ बोलते हैं। तो वर्षा जी की नानी वो हमारी भी नानी जी है, नानी माता जी आप ये नाने नाने से अभ्यास कर लेना, ये मकरासन ये भुजंगासन सलभासन, और फिर अभी मैं बताऊंगा मरकटासन, आराम आराम से ये कर लेंगे। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट पेडानिल स्प्रे, पेडानिल तेल, पेडानिल ऑइंटमेंट, ये भी बड़े अच्छे हैं इसके लिए, ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से ले आएंगे, बहुत ही जबरदस्त है। और जो है वजन ज़्यादा नहीं उठाएंगे, झुक करके नहीं बैठेंगे, सोने बैठने में सावधानी रखेंगे, कमर सीधी रहे, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है।
तो वर्षा की नानी के साथ औरों को भी जिनको भी कमर में दर्द होगा मुझे लगता है वो सब सीख लेंगे और ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल पंकज का है, टेल बोन फ्लैट करने के लिए वो क्या उपाय करें? देखो टेल बोन में ना उसमें भी वो उभर जाती है ऐसे ना पूरा उभर जाती है और उसमें फिर दर्द होने लगता है, उसके लिए भी यही अभ्यास है जो वर्षा की नानी जी के लिए बता रहे थे वही पंकज जी के लिए भी। पंकज जी का भी कमल खिलेगा, जैसे मोदी जी कल कह रहे थे संसद में जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। तो हम कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम तो राज की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त है। और टेलबोन में बहुत ज्यादा पेन होना, घुटनों में बहुत ज्यादा पेन हो, कंधों में बहुत ज्यादा पेन हो, टेलिस एल्बो हो, किसी को एंकलोजिंग स्प्लाइटिस तक हो गया हो, तो ये सब अभ्यास भी करें। और हमने लोग ठगी के शिकार ना हो इसके लिए पतंजलि वेलनेस का नंबर इंडिया टीवी पर भी चलाने का आग्रह कि आपने चलाया, शुक्रिया। 9 8 9 5 4 6 6 1। एक दूसरा भी नंबर मैं आगे और चलवा दूंगा अभी पतंजलि के सेंटर हर गांव तक, जैसे योग को पहुंचा ऐसे आयुर्वेद को भी पहुंचा रहे हैं। तो 8 9 5 4 1 1 3, ये गांव तक पतंजलि के केंद्र खुले, योग के साथ आयुर्वेद पहुंचे, तो ये अभियान हमने चला रखा। जिनको कमर में दर्द है उनको सिर नहीं उठाना जी। तो पतंजलि वेलनेस में आकर के एक बार की सिंगी से ही ये नीचे टेलबोन का पेन, घुटने का पेन, एडी में पेन हो जाता है, ये बड़ा खतरनाक होता है एडी का पेन, वो उसको वात कंटक बोलते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। कमर का दर्द, कोहने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, ये सारे एक बार की श्रृंगी चिकित्सा से रक्त मोक्षण से दूर हो जाते हैं। और फिर हम 3 दिन वात मोक्षण भी और बस्ती भी करवा देते, 10 मूल क्वाथ या पीड़ा तक क्वाथ में थोड़ा वातनाशक द्रव्य डाल करके उससे एनिम करा देते, बस्ती प्रदेश से ही वात पैदा होता है। तो ये कमर का पूरा पैकेज बता दिया जी स्वामी जी, आपने पैकेज भी बता दिया। अगला कोई प्रश्न बचा हो तो ले लो स्वामी जी, प्रश्न तो नहीं है लेकिन हाँ एक जिज्ञासा बची है कि आज प्राणायाम के बाद आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे के जरिए आप कैसे बताएंगे कि जो बीमारियां है हम उनको दूर रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक हम स्वामी जी ये बता देते हैं कि कल आप किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और कल रोगों से और किन किन रोगों से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। खून में पहुंच रहा है जानलेवा माइक्रोप्लास्टिक, कैंसर, हार्ट, किडनी फेल होने का एक बड़ा रिस्क है। खाना पीना सांस लेना मुश्किल, कैसे बचाए शरीर के वाइटल ऑर्गन्स? स्वामी रामदेव के साथ यौगिक और पंचकर्म उपाय प्लास्टिक के अटैक से आपकी सेहत को बचाए। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो देखना ना भूलिए स्वामी जी। धनिया डाल दिया हमने, लौकी डाल दी और ये धनिये के साथ लौकी का जूस पी लो, थोड़ा सा ऊपर से इसमें नींबू का रस निचोड़ दो, इतना स्वादिष्ट लगता है ये। लोग कहते थे लौकी का जूस अच्छा नहीं लगता, सच्ची बात तो ये है कि मैं भी पहले ये लौकी का जूस पीता नहीं था, जब से मैंने ये फार्मूला चेंज किया कि लौकी के जूस में थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना मिला दो, ओ मजा आ गया, इसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया। फिर आज मैंने बोला था थायराइड के कारण से जिनको कमजोरी आ जाए थोड़ा सा कद्दूकस करके, आजकल हल्दी हर दुकान पे मिलने लग गई ना कच्ची हल्दी जी, तो दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी ऐसे ये कद्दूकस करके डाल दो। और थोड़ा हमने पतंजलि केसर सबको उपलब्ध करा दिया, थोड़ा सा डालना, थोड़ा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो थोड़ा सा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केसर डालना और 2 बूंद शिलाजीत की, ओहो हो हो, इससे तो ऐसा कॉफी जैसा इसका टेस्ट हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा अश्वगंधा और सतावर 1-1 ग्राम, बस इतनी ताकत आ जाएगी, हाथ पैर कांपने सब बंद हो जाएंगे, घोड़े की तरह दौड़ते फिरेंगे, 100 साल जिएंगे और जवान रहेंगे। खास बात ये अश्वगंधा, सतावर, सफेद मुसली बड़े जबरदस्त हैं। और ये काढ़ा ना, एक तो धनिया, ये धनिया और ये थोड़ा सा जीरा और ये सौंठ ये डाल दी और इसको कूट लिया। आजकल ये छोटी छोटी
उखली मुसली सबके घर में है और इसको पका दिया। ये काढ़ा पिए और इसके साथ थायरोग्रिट जो मैंने शुरू में बताया था उसका सेवन कर लिया तो आज के बाद अब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और थायराइड की प्रॉब्लम से किसी तरह की कोई कमजोरी भी नहीं आएगी। पूरा देश स्वस्थ समृद्ध बलवान बनेगा, महान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर पूरे देश को धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।